नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास। हम तालबेट में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पंडित लीलाधर दुबे जितने से कुल्लू महाराज, आज भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा का दामन थाम लिया है। हालांकि उनसे हम खुद मिलवाते हैं कि आपने भाजपा में शामिल हुए और क्या सोच कर हुए, कैसे आपको ये विचार आया कि हमें भाजपा में जाना चाहिए। देखिए आदरणीय, मैं चूंकि आपको ज्ञात होगा कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का 95 में जिलाध्यक्ष रहा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके नेतृत्व में मैं जिले का अध्यक्ष रहा हूँ और संघ का कार्यकर्ता रहा। किन्हीं कारणवश में पार्टी से कुछ वर्षों के लिए अलग हो गया था, लेकिन जो देश के विकास और अंतर्राष्ट्रीय छवि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया है और देश की विकास की जो गंगा बहाने का काम किया है और भगवान राम के आज अयोध्या में रामलला का की जो प्राण प्रतिष्ठा की है उससे अत्यंत प्रभावित होकर के मैंने अपने घर पर सपा में भी रहे, बीएसपी का भी देखा आपने, इन दोनों पार्टियों का देखा, फिर भाजपा का देखा, इनमें अनुभव क्या अंतर क्या देख रहा है आपके इन पार्टियों का आपको, क्योंकि आपके पास 3 बार आप जिला पंचायत सदस्य रहे, ये मामूली बात नहीं है, आपको लंबा अनुभव है। कहीं ना कहीं ललितपुर में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको इन दो पार्टियों का अनुभव है, बीएसपी का है, सपा का है, आज आप भाजपा में आए क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं, अंतर बताइए आपको। अगर अंतर की बात की जाए तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं बचपन से जुड़ा रहा और आपको मैं बता दूं कि सपा और बसपा में सबसे बड़ी कमी है वो जातिगत पार्टियां हैं, सभी वर्गों को सभी जातियों को लेकर के नहीं चलने वाली पार्टियां हैं, जिससे हम भी कभी कई बार क्षुब्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी में सबका विकास, सबका सबको सम्मान मिलता है, सबको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, इससे हम पहले भी प्रभावित थे और पुनः प्रभावित हुए हैं और हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता की तरह आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। एक आखिरी सवाल, योगी जी कहते हैं कि मैंने आम आदमियों के दिलों से अपराधियों का खौफ निकाल दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बात सही है, जब से योगी जी बने हैं जो माफिया अपराधी थे उनका उन्होंने निश्चित रूप से एक समाप्त कर लिया है, रामराज्य जो कहते हैं रामराज्य ही ला दिया है और रामराज्य लाना ही चाहिए। तमाम तरह की मेरे बारे जो आप पूछना चाह रहे हैं बता देता हूँ कि मेरे ऊपर तमाम लोग आरोप लगाते हैं, मेरे ऊपर ना तो कोई आज तक कोई हीनियस क्राइम है, कोई गंभीर अपराध का मुकदमा नहीं है, छोटे मोटे मुकदमे हमारे जो राजनीतिक मुकदमे थे भाषण के या कोई कमेंट के तो इस तरह के छोटे मोटे केस थे, जो सारे केस हमारे समाप्त हो चुके हैं, हमारे ऊपर कोई केस नहीं है और हमारा केवल संघर्ष रहता है अत्याचार के खिलाफ। कोई भी गरीब पर अत्याचार करता है चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो एक सामान्य सा व्यक्ति हो, तो मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाने का काम करता हूँ। जब भी किसी बेटी की शादी होती है सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं, ये तो दावा हमारा करीब 18-20 साल से है कि क्षेत्र में हर बेटी की शादी में जितना भरसक, क्योंकि भगवान ने भी हमें 3 बेटियां दी है तो सभी को अपनी बेटी की तरह मानते हुए उनको जो भी गिफ्ट होती है जो भी दान होता है, 18 वर्षों से मैं दान कर रहा हूँ बेटियों की शादी में और निरंतर करता रहूंगा। आप लोगों का ऐसा इसने बना रहे हैं। आप ललितपुर जनपद की जनता को क्या संदेश देंगे? लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है। लोकसभा चुनाव में तो कोई संदेह ही नहीं है, ऐसे लोकप्रिय ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा, मैं उनके परिवार से उनके पिताजी कीर्ति शेष पंडित विश्वनाथ शर्मा से जुड़ा रहा हूँ और उस परिवार के ऊपर कोई उनके दामन पर कोई दाग नहीं है और मैं अनुराग शर्मा जी के बारे में कहता हूँ संसदीय चुनाव लोकसभा का चुनाव कम से कम 5 लाख से ऊपर से जीतने का काम करेंगे और हम हमारी सारी टीम दिन रात एक कर देगी और अब की बार 400 पार। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।